डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि सर्जरी करानी पड़ेगी, लेकिन आपा नहीं मान रही। तो आपा को समझाए ना कि जो डॉक्टर कह रहे हैं वो मान ले। मेरा ख्याल है मुझे जाना पड़ेगा। जरूर जाएं, जाना भी चाहिए आपको। जाके उनके सामने बात करें कि अगर डॉक्टर सर्जरी का मशवरा दे रहे हैं तो करा लें। आप बात करेंगे तो आपकी बात नहीं टालेंगे। अल्लाह ने सेहत दे। आमीन। ये क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं। सालगिरह पे जा रही हो ना, तो वहां जाके तुमने क्या इतना सारा मेकअप करना है? उफ़ो बच्चों, तुम्हारे इतने फजूल के सवालात होते हैं कि तंग हो जाती हूँ मैं। मैं तो सिर्फ पूछ रही हूँ। अब्बा को पता चल गया ना कि तुम्हारे पास इतना ज्यादा मेकअप है, शामत आ जाएगी तुम्हारी। अरे क्या फैला के रखा हुआ है तुमने? तुम प्लान फाइनल करोगी तो मैं टिकट्स बुक करूंगा। नहीं भाई, मेरे लिए इतनी जल्दी फिर से निकलना पॉसिबल नहीं होगा। कम ऑन यार, तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकती। बस तो फिर डन है, ट्यूसडे का प्लान लॉक है और अभी मैं टिकट्स बुक कर रहा हूं। अगर किसी ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया ना तो मेरी शामत आ जाएगी। कम ऑन यार, हर कोई फारिग नहीं है तो तुम्हारे लिए बेटर है कि बस तुम गुजरो और तुम्हें देखे। किसी के पास टाइम नहीं। अभी कंफर्म तो नहीं करो, मैं बताती हूं ना तुम्हें। अरे मुझे थोड़ा सा काम था, इस वजह से मैं लेट हो गया। बट मैंने सुंबल को बताया था, मैं आ जाऊंगा थोड़ी देर। ठीक है, फौरन पहुंचो, मैं इंतजार कर। ओके मॉम। क्या तुम्हें क्या हुआ? एक तो कॉल तुम्हारी मॉम की आती है और सांस मेरी अटक जाती है। क्यों? उनका ना मेरे दिमाग में एक इमेज बन चुका है, जैसे रोबदार पर्सनालिटी, कर्जदार आवाज, और कोई उनके सामने आ जाए ना तो अपनी सही बात भी भूल जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी मॉम बहुत स्वीट है। तुम्हारे लिए आऊंगी, मुझे तो बहुत डर लगता है। बहुत रॉन्ग परसेप्शन बनाया तुमने अपने माइंड में। अच्छा मुझे बता दो, ट्यूसडे का प्लान लॉक है, आगे मैं टिकट बुक करूं? अभी मैं तुम्हें बताऊंगी, कुछ भी कंफर्म नहीं है। तू भी कौन डिले करती है? अच्छा ना पागल, तुम्हें पता है मैं हमेशा मान जाती हूँ।